वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी का आनंद माण रही खालसा साध संगत जीओ, सुपागड़ा समा प्राप्त हो गया। आओ इस समय नू सफला करिए। चल रहे पावन प्रसंगा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी, अकाल पुरख की जोत गुरु नानक साहिब अंतम समय का उपदेश बख्शिश कर रहे ने। केवे काल समुचता दे उत्ते पालू है, जग ते ऐसा भी कुछ नहीं जो काल मौत दे वस ना होवे। वड्डियां वड्डियां ने जतन कीते, पर इस मौत तो इस काल तो कोई भी बच ना सकिया। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, सब इस मौत दे सताए हुए। बड़े प्यार सहित आप जी ने सारा उपदेश सरवण किया। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नू एकाग्र चित बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ, बख्शो आसीस। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूरज चंद गोए कर हथे, खिल है नित उशारत न साथे। संगतां दे परे इकट्ठ नूं गुरु नानक पातशाह संबोधन कर रहे ने। इस ब्रह्मांड विच चंद तारे अते सूरज ये भी समय की बंदिश विच बद्धे हुए। इकला मनुख नहीं मरदा, मरदी कायनात भी है। बनस्पति तो लैके धरती ते हर चीज जो दिसदी है एक ना एक दिन उन्हें नाश जरूर होना है।
वैराट स्वरूप दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु धरती पताल आकाश सूरज ते करोड़ां चंद्रमा इन्हां नूं अपने हत्थां च खेड रहे। जिवें एक बच्चा खड़ौने नाल खेडदा ना, परमात्मा की खेड करोड़ां ब्रह्मांड हन। एक ब्रह्मांड नहीं, एक यूनीवर्स नहीं। गुरु नानक साहब कहिंदे भाई जो कुछ भी दिसदा है अकाल पुरख दे हुकम दे विच उहदी रजा दे विच है, ते सारी कुदरत उहदी रजा नूं मनदी है। एक मनुख है जाने अणजाने चल भी हुकम दे विच रहा पर हुकम नूं मनदा नहीं। मौत आ गई मरना पैंदा, जन्म दी दार आई ते जमना पैंदा, रोग आया ते झलना पैंदा है उहदी रजा च ही है। पर मनुख का हंकार कहिंदा मैं ना मानू। गुरु नानक पातशाह समझाउंदे आ सिखो जदों चंद सूरज तारियां दी औकात कोई नहीं, बंदे दा है कि ब्रह्म उदंबर बिरख समान हल अनेक ब्रह्मंड परमाना। कहिंदे वो अकाल पुरख परमात्मा उहदा एक दृष्टांत दिंदे आ। सतगुरु कहिंदे वो आप जिहड़ा ब्रह्म आ ना, पहला तो दुनिया नूं ब्रह्म दा ही नहीं पता। ते भी गल सच आ, जे पता लग जे फिर रौले मुक जाण। जिहनूं असीं ब्रह्म समझी फिरदे आ, जिहनूं असीं ब्रह्मा मन्नी बैठे आ, जिहनूं असीं ब्रह्म ज्ञानी आख रहे आ, इहनां च कोई भी ब्रह्म नहीं आख सकदा। वाहिगुरू ब्रह्म किहनूं आखदे आ? जिहनूं बाणी कहिंदी है ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। महेश्वर नाम है शिव जी का। जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान है उन्हों ते शिव जी लभदा फिरदा है, ते दुनियावी ब्रह्म ज्ञानी ये शिव जी तो डरते फिरदे आ। सतनाम कितने मौत ही ना, मरना ही ना पैवे। सतगुरु कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी ते परमेश्वर आप है। जिहदा ज्ञान हो जाए कायनात अपनी नजर लगती, अपनी दिस। उन्हां प्रमाण दिता ब्रह्म किहदे वर्गा, कहिंदे गुलर दे पेड़ वर्गा। गुलर दा दरख्त है ज्यादातर नेपाल काठमांडू च पाया जाता, अपने भी इस शहर में बड़िया पार्कां च मिलता है गुलर। हुण गुलर खास क्यों है? बैरियां की तरह गुलर दरख्त का जिहड़ा तना है उहदे उत्ते फल होंदा है, जिवें बोड़ दियां गोलां होंदियां उहदे तणियां दे उत्ते इदां फल आया होंदा है। आयुर्वेद दे विच गुलर दियां दवाइयां बनदियां। अज भी अपने पार्कां दे विच किते किते उह दरख्त लगे हुए आ जिहदे फल देखण नूं गोलां वर्गे पर लगदे तणे उत्ते बहुत ज़्यादा गुच्छे भर भर के अंगूरां वांग लगते, पर वह फल स्वादिष्ट नहीं होते, नसूड़े वर्गे। कहते जिवें गुलर के दरख्त उत्ते फलां नाल भरिया पिया रुख, तना भरिया पिया सारे का सारा। कहते इसे तरह अकाल पुरख ने समुचे ब्रह्मांड नूं अपना शरीर बनाया होया है। फलां वांग इहदे विच चंद तारे सूरज दिसदे ने, पर सारिआं विच आप ही है। उहदी रजा तो बिना, उहदे हुक्म तो बिना इत्थे कुछ भी नहीं। अखियत कारण त्रिपत कैसे कृत अहुति पावक जैसे। जिहड़ा काल है मौत है पातशाह कहिंदे रजदा नहीं कदे, काल दा सुभाव अग वरगा। अग विच जिन्ना मर्जी घिओ पा लो, लकड़ां दे बंडल सुट दिओ, जंगलां दे जंगल साड़ दिओ, अग कदे भी रजदी नहीं। इसे तरह काल दी बिरती है,
ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜੱਪ ਕੇ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹੋਮੇ ਦੇ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦਮਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਵੀ, ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਬਣਾਏ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਬਚਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਲੱਭੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ। ਅੱਜ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚੀ, ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਟਾਲਿਆਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਬੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਮਿੱਠੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਸੋਟੀਆਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਫਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਪੱਕਿਆ ਫਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚ ਮਾਣ ਚ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸਭੈ ਕਾਲ ਹੀ ਚਬਾਹੀਏ। ਮੌਤ ਨੇ ਚੱਬਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਮੂਰਤ ਬਿਦਤ ਨਾ ਪਰੇ ਪਛਾਨੀ, ਘਟੀ ਮਾਸ ਬਰਖੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ,
झट पल बिंद लंघ जाती है। बच्चा सी कदे मनुख घड़ी च बजुर्ग हो गया। सतगुरु कहिंदे ये वरतारा तेरे नाल हर साह नाल वरत रहा है, हर साह नाल बंदा एक एक पाले एक साह मौत दे करीब जांदा, पर इहनू लगदा मैं वड्डा हो गया। मां भी कहती है मेरा पुत वड्डा होया, पर बाणी कहती जमदूत हस दे वे के मोर मोर कर अधक लाड, देखत ही जम राओ हसै। मां कहती पुत वड्डा हो गया, सतगुरां दी बाणी कहती जम हस दे आ, ऐ माए वड्डा नहीं होया, मेरे करीब आ गया एक कदम। ऐसा तै जग भरम लाया, कैसे बूझे है होया। मर्द कहते आ भरम के परमात्मा ने मनुख न पाया होया, वो माया को बुझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, कद ही नहीं जा। इन्हू लगता है जिंदगी मैं सियाना हो गया, मैं बड़ा हो गया। कहते इन्हों चिंतावान छड़, जिंदगी जी के वेख जी किमें जाएगी, संगत करके नाम जप के सेवा करके भले कर्म सीख के ते जीवन स्वर्ग बन जाता है। जिन्होंने इस जीवन में माणे है उन्होंने इस जिंदगी उलांभा ही कोई नहीं। हूँ एक गल है, तुम जिन्हों मर्जी छिड़ के देख लो, हर कोई कहता यार मैं अपनी जिंदगी तो लाइफ तो बस दुखी हाँ। गां मज बकरी जिन्हों को घर नहीं, जंगलों के पशु पक्षी जिन्हों को महल नहीं, कोठियां नहीं, एफडी नहीं, वो कदे नहीं कहते भी मैं जानवर बनया यार मैं अपनी जिंदगी तो दुखी हाँ। कदे हाथी सुसाइड नहीं करता, कदे शेर नहीं करता, चिड़िया नहीं करदियां, कदे ईवन के कां भी मरना नहीं चाहते। एक बंदा जिन्हों सारे तो कीमती जन्म मिलया हो सारा दिन इसे ही भंडी जाता है, दुखी हर वे रहा, हर वे दुखी है, भूत दुखी नहीं, प्रेत दुखी नहीं, भावे जो जहाँ मर्जी जन्म आना ही खुश ने, बंदा क्यों नहीं खुश। कोई एक बंदा लभ के दिखाओ जरा आखिर मैं अपनी लाइफ सैटिस्फाइड हाँ जी, बड़े थोड़ा मिलने उपर उपर बड़िया गल् करते लोग, असं बहुत खुश हाँ, साड़ी फैमिली बहुत वधिया, रोज़ स्टेटस पाए होंगे आ ये मेरी गुड माँ, मेरी बेस्ट मॉम, मेरे बेस्ट पापा। तो जो घरों छितरो छितरी होंगे होंगे उदो कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये दिखावा है। लोका चारू दसना मैं अपनी माँ नूं बड़ा प्यार करदा, मेरा प्यो नाल बड़ा प्यार, ते मापे भी करदे आ, दिखावा ही है ना जिंदगी। सुख तो किसे कोल नहीं है, पता सारियां नूं है भी जे इस जन्मदिन से मैं अपने धी पुत नूं वेशना ना कीता लांभा देणगे, मतलब किराए की जिंदगी है। जे किराएदार ने मकान मालक नूं हफ्ता पहला किराया ना दिता, समा पहला ना दिता, वह लांभा देगा क्योंकि अपना है नहीं, अपना है नहीं। अज साडी जिंदगी इत्थे खड़ी है, मैनू मेरे परिवार ने विश नहीं किया, फिर की हो गया, रुतबा खो लैणगे भी तू साडा प्यो नहीं हो सकता, उस तो बाद साड़ी माँ नहीं हो सकती, साड़ी मासी नहीं हो सकती। ये की है कि दुखां ते मोह दा कारण है, साडे सारे दे सिर ते चढ़िया, सब दे सिर ते किहनू, जिहनू मौत बोली होती है। जिस मनुख नूं अपनी जिंदगी दे विच दुखी दुख दिसदे नूं यह लगता है मैं लोगों नूं खुश करके शायद खुश हो जा, नहीं हो रहा, उन्ना ज़्यादा दुखी है। गुरु नानक साहब इहो ही दसदे आ, कहिंदे मनुख दूजिआं नूं खुश करन विच अपनी खुशी लभ रहा है, मत भुलेखा रख। तेरी खुशी च खुशी हो सकती है, पर किसे दी खुशी च तेरी खुशी नहीं है। यही बरोड़ते फिरते हैं भी वह बड़ा खुश है, उहदे नाल मित्रता पा ली, मैं भी खुश हूँ, जरूरी थोड़ा है। हो सकता हसन वाला वो आप किसी का सहारा लभदा हो, मेरी जिंदगी कोई मेरा मित्र बने, मैं अपने दुख वो को बोला, तो तू वेखदा ये को माया पदार्थ पैसा बड़ा तो खुश बड़ा होगा। सजना तेरे थोड़े दुख से हूँ वो दुख तेरे गल पै गए, तू कहना मेरी जिंदगी नरक आ गया। गुरुदेव आखते कहते संगत में बह के ये औगण चले जाते हैं, मौत का खौफ मुक जाता, डर मुक जाता है, जिहदे अंदरों मरन का डर मुक गया। देखो जिंदगी असी सारे उन्नी 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 जिन्हें सामभ ले उस भावे डरीए भावे ना डरीए, जग नूं खुश करिए भावे ना करिए, समय आए ती जाने किसे दी वारी, कोई नहीं मरदा, सतगुरां ने भी लिखा है वारी आपो अपनी कोई ना मरना। तैनू धीरज भी नहीं किसी ने देना,
तेरी वारी ते जाना भी नहीं किसे ने, जिन्हें मर्जी तेरे अपने हो कह के वेखू किसी अपने यार मेरी थां तू मर जा। वो कहता यार तू बुढ़ा आया तू मर अभी तो जवान आ तेरे पिछे थोड़ा मरना कोई नहीं मरता किसी का कोई नहीं मरता। गुरु नानक साहब आखन लगे संगत जी साडा शरीर ते नाशवंत है नाशवंत होता नहीं ते जदों पता है शरीर मिट्टी है शरीर ने देना कुछ नहीं एदा मोह क्यों करना है। जीवर काल किरिया जिह जाला फसे जीव तिस माहे बिसाला। सतगुरु कहते जीवर काल, चीवर कौन है मछेरा बाणी बड़ी बार आता चीवर काल तृष्णा गुरु पातशाह कहते जड़ा वक्त है एक किरिया बनया होया ते मच्छी कौन है ज्यो मच्छी त्यों मानसा पवे अजिता जाल। सतगुरु कहते जे वे मच्छी नू नहीं पता हुणे दो पल पहला तारियां मार दी की पता किहड़ा आया किहड़ा जाल पा के लै गया। बंदिया तेरी जिंदगी मच्छी वर्गी है ज्योंदे जीव ही सुकून नहीं ते मरिया तो की मच्छी नू मर के सुकून मिलता कितने। अगला फड़दा फड़ के डैक च सुट लई ज्योंदी दे विच नमक बर्फ लाती तड़फ रही है कढ़ी चीरती आरियां दे नाल हल्की हल्की कितने जान भी है तां भी इहदा खीरे वांग छिली जा रही है। तू ते मर के ते मरन वेले भी सुख नहीं। सतगुरु कहिंदे तेरी हालत भी रब दे नां तो बिना ऐसी है ज्यो मच्छी त्यो मानसा पवे अजिता जाल। कहिंदे काल शिकारी बनिया तुरिया फिरदा शिकारी बन के तेरे पिछे पिछे फिरदा जिथे मर्जी चल जा। बड़ा लोगों च वहम होंदा है विदेश जाके खुराकां चंगियां ने विदेश कड़ा मरदा नहीं विदेश चल ब्रह्मांड च चले जाओ जिदन मौत आ गई समा आ गया बहाना बन गया सबब बन गया धरती दियां केव विच चलिया जाई गुफावां च चलिया जाई कंदरां च चलिया जाई तैनूं उत्थों विखे चलिया होगा तो सारा नाम नहीं बचदा नहीं छड़दा उह किसे। सतगुरु कहिंदे एडा प्रबल है उह काल ते बंदिया तू उस काल दी गिरफ्त दे विच है ते जिन्हां मच्छियां नूं पता हुंदा ना भी सानूं शिकारी ने फड़ लिया जाल चों जाल च भी तैरदियां फिरदियां हुंदियां उत्थे भी चिंता नहीं करदी ऐ मनुख काल दी गल छड अकाल नाल जुड़दा काल ते सच ही है छूटन होए ना सीके पांते दुख में पचे ना पावे शांते। मर्द कहिंदे जिवे काल दा शिकारी दा फसाया जाल विच जीव ते मच्छी शिकारी फसे होया ना कहिंदे फसिया तू मोह दे जाल चों ये जाल कटदा कटदा कटिया नहीं गया फसदा फसदा होर फस गया। बंदा की सोचता है जी दुनिया का हर मैंबर यह सोचता है भी चलो बच्चे होणगे वधिया जिंदगी हो जो तो बच्चे हो गए कहिंदा ये पढ़ लिख जाण किते सैट हो जाए यही होंदा तृष्णा होर वध गई ये व्याहे जाण व्याहे भी गए तृष्णा ने होर जाल पाया मूँह ने भी जे पोता पोती का मूँह वेख लीए दोता दोती वेख ली होर पै गए फिर उन्होंने पढ़ाई का रौला पा के बह गया फिर उन्होंने व्याह बारे सोची जाता है कहते सोचता तो सी भी कि जिंदगी कले बह के सुकून माणांगे वो दिन ही नहीं आया सच्ची सोच के देखियो घर कले बह के भी सारी जिंदगी भजते फिरी गए बथेरा पैसा कमाया सब ने कमाया किहड़ा शक है भी इन्ना कुछ कमा के संतुष्टि है आनंद है नहीं है। दो पल जपजी साहब का जाप करन बह जाइए मन नहीं लगता अद्धा घंटा गुरु घर चौकड़ा ला नहीं सकते क्योंकि उस जाल च होर फसते जा रहे हैं होर धसते जा रहे हैं। मर्द कहते दल दल बनी हुई है तो दल दल में फसया मनुख बिना सहारे तो नहीं निकलता कई बार कढ़न वाले भी बेचे धस जाते। सतगुरु कहते सतसंग दे विच आ जा जे इस दल दल दे विचों निकलना मोह दा जाल काल दे जाल तो वड्डा है काल जाल जो परयो रूल है मुख पसारा है भी तेग बहादुर साहब जिन्हां दा अज प्रकाश पुरब दुनिया मना रहे समुची सिख कौम ते सारी दुनिया सतगुरु आखदे आ कहिंदे काल आ ना बिल्ले वांग मूंह अड्डी फिरदा है
ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਲਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਛਾਲ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਡੋਲ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚਾਹ ਪੀਤਿਆਂ ਵੀ ਚਾਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਸਰਿਆਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੰਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਪਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਤਾਈਏ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕੌਣਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਬੈਠੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਮਾਰੇ ਆਖੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ ਝੂਠ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਭਰਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜਲੂਸ ਆ ਬਦਲਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਜ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਪਾਏਗਾ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਸੈਲਫੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ ਸੈਲਫੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਖਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲੋਕ ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਮਾਣ 'ਚ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੰਕੇ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਪਣਾ ਛੱਡ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾ ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਅਗਲਾ ਆਖਦਾ ਦੋ ਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਓਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੋਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਵਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਵਾਈਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਪਾ ਜਾ ਪੂਰਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਸਟਾਈਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ
जिन्होंने कर्जे ले होंगे उन्हें रोज कपड़िया नाल मैचिंग बूट होंगे आपको साधनाओ की रह गया बल्ले सुकून नहीं टका नहीं आनंद नहीं तो यह भी सच है जिदन सतसंग च बहन बहन लग जाएंगे ना गुरु की संगत हौली हौली असर होने लग गया लगी जाता सादगी वधिया लग रही है सादगी का भोजन चंगा लगन लग जाता है सादगी वाले गुरमुखां कोल बहन नूं चेत करता है कोई पड़कीले दरियावी गल्लां करता है उत्थे आप ही मन करता भी छड्ड इहनां कोल नहीं बहना ये निंदिया करदे अजे तो सानूं दसना पैंदा तू आ गल्लां ना करिया करे निंदिया है अच्छा ये तां नहीं निंदिया ये तो सच्ची गल है तुसीं उह चेत ते गुरुदेव किन्ना सोहना उपदेश बख्शदे सिखो अपने लई जीओ आनंद लई जीओ जीवन से परमात्मा ने जीवन लई दिता जी कौन लिया इतने सब वेट करते पहला नौकरी करते रहे हुण सोची जाते पेंशन आ जाए फटाफट पेंशन आ जाए माया के लालच में बंदा अपने बुढ़ापे को याद नित करता है छेती छेती पेंशन हो जाए छेती छेती हो जाए बुढ़ापे छेती नहीं बनता उस लालच वाले पास भजया जा रहा भी छेती निबड़ जाए काम सारे पर गुरु साहब कहते जिदन तू बंदगी कर लग गया रब रब कर लग गया सतसंगत में बंदिया बहन लग गया ना तेरी चिंता तेरा भरम ते तेरा डर मुक जाना है तू निश्चिंत हो तेरे जीवन में शुभ कर्मा के फल होणगे तेरे को बैठ के हर कोई अपने जीवन भाग छंज जाने हर कोई इस चीजा जो आप कथा च सुनने तो सोचना चाहिए भी जो ये सुने साडे च है जे नहीं है तो मतलब कमियां ने वो भावे कथा सुनाने वाला है भावे सुनने वाला सारे ब्रह्म गुरु नानक साहब कहते काल की तो चिंता ही ना करो उन्हें तो आना ही आना है वो तो बाणी कहती जो उपजो सो बिनसा है जो जो आया उन्हें जाना ही है क्योंकि पहला मौत लिखी फिर तेरा जन्म लिखा है ये बिच वाले सफर दुखा भरिया ना बना इस जीवन अपना हम सफर बना ल चित कहे पर पंच पसारा कई बार किया काल हारा सतगुरु कहते समझ किवें आऊ कहते समझ गुरु की बाणी भी यह जो दिसदा परपंच है परपंच मतलब पखंड दिखावा ड्रामा कहते रब ने भी परपंच बनाया है बहुत बड़ा परपंच दुनिया बनाई सारी परपंच मतलब ठग ठगी ते गुरु साहब की कहते बाणी च बाहो परपंच नाल पर धन लियावै सुतदारा पहयान लुटावै बंदे आ परपंच ठगिया मार के बड़ा धन कट्ठा करके लैके उन्हें घरे आके बड़ा खुश हाँ कहिंदा वेख अज इन्ने पैसे लैके आया की तो लुटाया सुत पुत तो दारा पत्नी तो जिन्हां तो धन वारदा दोने तेरे तो दुखी आखो सतनाम मेरे मुताबिक नहीं चलता तू कहना पत्नी मेरे मुताबिक नहीं चलती पुत कहना मां मेरे मुताबिक नहीं चलती तू परपंच करता रहा ठगिया मारता रहा लुटा खूहां करता रहा तेरी उस माया की जिहड़ी लियाकत सी ना उहदा प्रभाव सी उह तेरे परिवार ते पै गया क्योंकि की पता तू किन्नियां नूं लुटिया किन्नियां नूं ठगिया उह दो नंबर की माया का प्रभाव उहनां दे मनां ते पिया उह तेरे कहने तों बाहर हो गया ते तू भी हो गया सतगुरु कहते रब ने तो परपंच ऐसा खेडिया वो परपंच को समझ ही नहीं सकता कोई दरियावी तौर पर सानू बंद ठगी समझ आ जाती भी ये बंदा मिठिया जी गल करता यार बचो एक बार लुटिया जाऊ दो बारी पर कहते रब वर्गा कोई ठगवाड़ा है वो वर्गा ठग है कोई उन्हें ऐसी ठगी बनाई दुनिया से आ माया पसारती झूठी कहते झूठी माया विच जान बुझ के समझ के भी बंदा निकलना नहीं चाहता ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਿਰਨ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗਾਂ ਬੈਠੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡਾ ਚਿਕੜ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੋਹ ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਏ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਸ मैं हूं आ छता अज तो मैं किसी की परवाह नहीं करनी जे नहीं करनी तो कर दर कर क्यों रहा फिर यह दस क्यों रहा है दस की लड़ नहीं दुनिया झूठी है दुनिया मूर्ख है मतलब मैं सियाणा लोगों को ही दसना साढ़े अंदर एक भरम जागे है
सतगुरु कहिंदे रब दा परपंच है जिहनूं तूं सुण के भी नहीं समझ सकिया, सुण के भी नहीं समझ सकिया। उन्हें विखाता वेख तेरे परिवार चो किन्ने जी तुर के जाएगा तू भी, इहनूं समझ नहीं आया। इहनूं फिर लगिया जिंदगी सदा सच्ची है, ओहरो रखे सुखीन समर के द्रहन बिशन शिव ने जतन धर के। मर्गे दे भाई ओ अकाल पुरख दी खेड आ, इत्थे ब्रह्मा वर्गियां नू मान हो गया सी, दुनिया मैं बनाई है, हंकार हो गया सी ब्रह्मा। उन्हें कमल दे फुल नू हाथ मारा, कहिंदा यार मैं दुनिया बनाउण वाला कमल दे फुल चों पैदा हां। फिर वेख लो की होया, उहदे नाल 36 जोग डिगदा ही गया। समझ आई, कमल का फुल मैं नहीं बनाया, जिहने बनाया वो कोई होर आ, सतनाम वाहेगुरु। ते फिर उन्हूं समझ आई इत्थे आ दुनिया ते मैं नहीं बनाई, किहने साजी, उत्थे करोड़ा ब्रह्म तेरे अंदर एक नहीं करोड़ा। जिस रब ने करोड़ा ब्रह्मे बनाए उन्हां नूं भी माण सी भी असीं मौत दे देवते आ, असीं दुनिया साजण वाले, असीं दुनिया पालण वाले। चौपाई साहब की बाणी पढ़ गया, अज तो बाद बेनती है अर्थां समेत पढ़ के आई, एक दो दिन लगातार पढ़े, कोशिश करियो जिहड़ी बंदगी वालियां रूहां दे बैठियां पढ़दे भी आ, अर्थ समझ के आयो। अर्थ किड्डे विशाल जगत काल जोगी शिव कीओ वेद राज ब्रह्मा, जगत काल सब लोक सवारा नमस्कार है। कहते जिन्हें सारे लोग सवारे मेरी ओनू नमस्कार। इतने ब्रह्मा वर्गे बिशन वर्गे सारे काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए सिंधु अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रदासा सगल काल का यज्ञवासा। इतने तमाशा है, इतने प्रपंच है, इतने पखंड है, दिखावा है, शलावा है रब का। कहते इस शलावे विच दुनिया के तीन वड्डे अध्यक्ष ब्रह्मा बिशन विहेश वो भी फसे रहे, सतनाम वो भी उलझ दे रहे। ब्रह्मा इन लग्या मैं रब हाँ, शिव नू लग्या मैं रब हाँ, विष्णु नू लग्या नहीं और रब हाँ। पर कहते जितन काल उन्होंने सिर पर आया समझ आई साडे जहे किन्ने सच्चे ने, किड्डी बेअंत बाणी है, किन्नी डीप किन्नी गहरी है, समुद्रां दीआं गहराइयां भी मिलियां जांदियां ने। एवें थोड़ा कहिंदे वी गुरु ग्रंथ साहिब मार्ग सागर ने, सागरां दे सागर ने। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਠ ਕਰਤੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੌਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਬੇੜਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜਤੇ ਖੜੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜ ਪਾਠ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਰਦ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਅੰਗ ਰੱਖਿਓ ਤੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਰਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪਰਪੰਚ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ਲਾਵੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾ, ਚਿੱਤ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਬਰਤਨ ਹੈ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ, ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਮੂਲੇ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਤ ਅੰਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ।
सतगुरु कहिंदे क्यों अपना मुढ गवाउंदा फिरदा क्यों मूल गवाउंदा फिरदा है बंदिया जो कुछ तू इकट्ठा करदा फिरदा तेरे नाल नहीं जाना नाल जो जाना सी इकट्ठे ही नहीं शुभ बोल बन सेवा ते सिमरन ओ किसे ने कतर कीता नहीं अंतर ध्यान कर पुन ताही ग्रसै सकल को तजे न काही कहदे इस काया नु ते खा जाना है मौत ने सतगुरु लिखते फाही वाल पचास कहते पंजाह फाहे पे तेरी जिंदगी सारे दिन मौत आले पासे खिंची जाते हैं दुनिया के सुख तेन दुख बन के कहते यार मर जाए चंगा हर गल का इंड बंदे का इतने आता मरना ही हाल थोड़ी मर के खड़ा थोड़ा छोड़ जाए जो तेरे कर्म तेन फिर भुगतने पैण गए तो छड़ के फिर आ जाएंगे दोबारा भुगतना ही पैना है गुरु नानक साहब आखते हैं कहते तू अंदरों जुड़ के वेख तेरे अंदरों मौत का खौफ निकल जाना तेन परपंच समझ आजूगा यह दुनिया की रीत है हुण दिन चढ़ता रात होंगी दिन चढ़ता रात होंगी कदे बंदा रोया भी यार अज रात नहीं होनी चाहिए ना ही ना दिन चढ़िया गलत गल है रात क्यों हो रही है या रात होगी सवेरा क्यों हो रहा है खुशी खुशी उठ के कहता अज नवा दिन गुड मॉर्निंग ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਾਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਾਣ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੂਰ ਬਿਸਾਲਾ ਮ੍ਰਿਗ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਹਰੀ ਕਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਰਗ ਵਰਗਾ ਮਿਰਨ ਮਤਲਬ ਮਿਰਗ ਹਿਰਨ ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿਰਨ 500 ਵੀ ਹੋਣ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਤਾ ਖੈਰ ਬਣਾਊਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਸੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰੂਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਕਰੂਰ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਲੋਕ ਮੈਥੋਂ ਡਰਨਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਪਰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਰੱਖ ਕਰੂਰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹਿਣਾ ਬਲਾਉਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਸ ਪਾਸ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾਓ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਕਦੇ ਦੋ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਘਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੂਰਤਾ ਟਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਚਿੰਤਾ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੋ ਕਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਮਿਲੂ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮਰਨਾ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ
सब तो वाहे क्योंकि क्रूरता है। सतगुरु कहते छड़ जग दियां परवाहां, रब दे राह आ जा, इस राह ते कोई खौफ ना खता ना खर्द जवाहे, उहा खैर सदा मेरे भाई। कहते इस राह ते इस घर दे विच ते सदा सुख है, सदा आनंद है। तोहर कमल फूल अद्भुत है, बच्चो ताही ते सोए नह समीपते जावई, रहो बिना बल होए। साधु कहते आ तेरी जिंदगी कमल का फुल है, हर मनुख का जीवन कमल का फुल। हुण कमल का फुल ही क्यों चुनिया, फुल ते बड़े दुनिया से महंगे तो महंगे, गल महंगिया की नहीं, कमल का फुल हमेशा चिक्कड़ विच पैदा होता है, चिक्कड़ जिथे मैला पानी हो, मैल हो गए छपड़ा च होता है, पर सोहना पैदा। सतगुरु कहते जिम्मे चिक्कड़ खड़के कदों मैला नहीं होंगे, कदे बदबू नहीं आती, पाड़ी सुट दो पानी की ड्रॉप बूंद नहीं खड़ती, वो खिड़िया रही है किन्ने किन्ने दिन। बंदिया रब का बनाया ये चिक्कड़ परपंच माया का, ये परिवार रह के कबल फुल वांग जे खिड़िया रहा तो रब का प्यारा कहाएगा मुरझाया, तो जिंदगी सब दी चल रही है, अद्धी जिंदगी सुत्या पे जो 100 साल की उम्र है तो उस रात कढ़ दो किन्ने साल दी होंगी, 50 साल तो सौ के कढ़ लो, फिर बिचो खाण पीण का टाइम कढ़ दो, नहाण धोण का कढ़ दो, निंदिया चुगली वाला वह भी सैड कर लो, विशे विकारा का सैड कर लो, है की है पछतावे तो बिना जिंदगी कुछ भी। वड्डी जिंदगी विच भी दुख ने, पर जिन्हां ने इस जीवन नूं कमल दे फुल वर्गा मन्निया वह चिक्कड़ विच रह के भी तरलीब है। दुनिया च भजना थोड़ी है, जग छड़ना थोड़ी है। सतगुरु कहिंदे इसे जग विच रह के इसे परिवार विच रह के चिक्कड़ दल दल विच रह के उच्चा होके गिरना है, चिक्कड़ दा रूप नहीं बनना। चौपाई शांत मैत्री अंकर तासो, चैतन्यता मात्र प्रकाशो। कमल दा फुल चिक्कड़ दे विच भावे है, जे हवा भी चले तां भी नहीं डुबदा। कदे वेख्या भी कमल दा फुल चिक्कड़ दे जे थले, नहीं हिलदा नहीं खिड़िया रहिंदा, खुशबू चो आ रही है। भौरा वेखो कित्थों उड के आया, आले दुआले चिक्कड़ पिया दलदल पई है, पर उहदा सज्जण उहदा यार उड के उडारी भर के चिक्कड़ की परवाह ना करता होया कमल फुल ते बह गया। तो जिदन साडा जीवन इस पासे आ गया ना, असीं बंदगी नाल जुड़ के कमल का फुल बन गए ना, तो रब रत्तियां रूहां भौरिया ने आप ही आण मिलना, वो बैठणगे साडे कोल आके ते असीं उहनां नूं मिलणा। अजे तो कोई साढ़े को बहना नहीं चाहता, हाँ लोग चारू सारे कहते तू भी आ गई यार तू भी आ जा, पर सब यही गल कहते अज सब ने शुभ शुभ बोलना, किसी की बुरी गल नहीं करनी, बैड थिंकिंग नहीं रखनी, माड़ा सोचना नहीं, कोई नैगेटिव गल ना करे, मतलब एक दूजे तो खतर ही रहा भी पता नहीं कि बोलना किने बंद खा। पातशाह कहते कमल का फुल जिमें खिड़िया होया भौरा आके सुगंधी लैंदा है, सुगंध भी ऐसी लैंदा वह फुल तो आपा कुरबान कर दिंदा है। तो सजना जे तू कमल का फुल बन गया ना, गुरु तेरे लिए भौरा बन के आपा तेरे तो वार देगा, जिदन गुरु तेरे ना जुड़ गया तेरे ते गुरु च फर्क नहीं होना। तू इस चेकड़ विच रह के भी ना गुरमुख बन गया, जिन्हों सतगुरां ने लिखे है गुरु के सिख गुरु का प्यारा गुरमुख लेप ना मासा भी, मासा भी एक तोला भी एक छिट्टा भी मैल च नहीं फसते, रहणगे मैल च रहणगे परिवार च ही रहणगे दुनिया के विच ही, पर दुनिया के परिवार के रंग ढंग नाल उहनां दी चाल तूर बोलना हसना खेडना अलग ही दिसदा है, ये गुरमुखां दी दया। ते कई बार मेरे वर्गे गुरमुख जो परिवार करदा जो नाल दे करदे आ सोचदा यार इहने आह कीता मैं भी करना, इन्हें यो जे कपड़े पाले मैं भी कर ला, ये की है मतलब प्रभाव दूकों भी पै गया, अजे गुरमुख आई नहीं आई, अजे कोशिश करता गुरमुख बन की पर मनमुखता फिर चल रही है, वो फिर खिंच लेंदी है। गुरु नानक साहब कहते सिखो शरीर की परवाह छड़ के
शब्द जोत नाल जुड़ो। शब्द की जोत तुहानू सतसंग विचों मिलनी है, जिहदे नाल जुड़िया तो तुहानू फिर मिलन ते विछड़न दा दम नहीं रहना। जिहनू मिलन दा चा ना होवे उहनू विछोड़े दा भी दुख नहीं हुंदा। सतनाम। बड़े लोग अपने रिश्तेदारी चों देदा ने, उहनां नू किसे दे मिलन दा कोई चा ही नहीं हुंदा, पर जे विछड़ जे फर्क भी नहीं हुंदा उह जिंदगी वधिया। सानू मिलियां का भी फर्क है, कोई साढ़े घर को आके मुड़ जे सानू तमा लगी रही हाए क्यों नहीं आया, पता नहीं की सोचता होना, तो चंगे बनने लई बड़ा कुछ करीदा। जे कोई सानू छड गया तां असी मरे फिरदे, हाए वो छड गया पता नहीं क्यों अगला मौजा करदा, असी कहने वह तो साढ़े बिना जी नहीं लगना, सानू भरम होंदा। गुरु पातशाह कहिंदे जदों तेरे अंदर सिखा प्रेम जाग पिया, तू इस चिक्कड़ रूपी परिवार विच संसार विच रह के भी उच्चा उठ के खड़ेगा, उच्चा हो समा समाप्त है। जिवें पातशाह कृपा करनगे कल दे जवाना च आनंद माणांगे। वाहे गुरु वाहे गुरु।